देशनी खाद्य सुरक्षा में हमेशा अग्रेसर भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ए भारत सरकार एक एवो उपक्रम छे जेना अपना देश ने खाद्य सुरक्षा प्रदान करे छे अने सुविधा पण आपे छे। आजादी पछी आपणो देश थोड़ा वर्षो सुधी खाद्य पदार्थोनी अछतनी गंभीर समस्यानो सामनो करी रह्यो हतो त्यारे अपना तत्कालीन वडाप्रधान लाल बहादुर शास्त्रीजीना नेतृत्वमां सरकारे देशने खाद्य सुरक्षा प्रदान करवानो निर्णय लीधो हतो अने भारतीय खाद्य निगमनी स्थापना करवामां आवी हती। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियानी स्थापना वर्ष 1964 फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 द्वारा करवामां आवी हती जे ग्राहक बाबतों खाद्य अने जाहेर वितरण मंत्रालय हेठळ कार्यरत छे। राजकोटना डिविजनल मैनेजर राम प्रकाशे अब तक साथेनी वातचीतमां जणाव्युं हतुं के लोकोने अनाज अंगे कोई गैरव्यवस्था न सर्जाय ते माटे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हर हमेश सज्ज रह्युं छे अने ते माટેની विशेष व्यवस्था पण ऊभी करवामां आवी छे। कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हर हमेशा अनाजनी गुणवत्ता अंगे चिंतित रहेतुं होय छे, एटलुं ज नहीं गुणवत्ता यथावत रीते जळवाई रहे ते માટેના અનેકવિધ પ્રયત્નો પણ હાથ ધરે છે। વધુમાં તેઓએ ફૂડ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા રાજકોટ ડિવિઝન અંગેની કામગીરી વર્ણવી હતી અને જણાવ્યું હતું કે અહીં સંપૂર્ણ શ્રમ ટ્રાન્સપરન્ટ એટલે કે નિષ્પક્ષતાથી કામ કરે છે। એફસીઆઈ કા જો મૂળભૂત ઉદ્દેશ્ય હૈ ફાર્મર કો ઉસકા ઉચિત મૂલ્ય મિલે, કન્ઝ્યુમર કો સસ્તે રેટ પે બઢિયા અનાજ મિલે, યે બેસિક મોટો હૈ। એફસીઆઈ ફાર્મર સે પરચેઝ કરકે ઉસકી સ્ટોરેજ ટ્રાન્સપોર્ટેશન और जहाँ पे डेफिसिट स्टेट हैं वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। जो सरप्लस स्टेट हैं जैसे आपका पंजाब है, हरियाणा है और आंध्रा है, यूपी है, वहाँ से सरप्लस स्टॉक होता है कि वीट और राइस, तो वहाँ पे जो सरप्लस स्टॉक है उस स्टॉक को परचेज करना एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे परचेज करना, उसको साइंटिफिक वे में स्टोर करना, फिर उस स्टॉक को डेफिसिट स्टेट जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है कंज्यूमर तक पहुँचाना का काम स्टेट गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट तक स्टॉक को पहुँचाने का काम एफसीआई करती है। तो उसमें बेसिकली हम पहले जो प्रोक्योरिंग स्टेट हैं वहाँ से परचेज करके और अपने गोडाउंस में रख लेते हैं, वहाँ से एक एलोकेशन करते हैं हम मंथली बेसिस पे, हेडक्वार्टर से एलोकेशन होती है, वो रोड से रेल से स्टॉक को हम डेफिसिट स्टेट तक उसको पहुंचाते हैं। उसके लिए हम बेसिकली जैसे रेलवे है तो रेलवे में तो कोई प्रॉब्लम आने वाली चीज़ है ही नहीं, जैसे हमने रैक लोड करवा दिया उसके मंथली बेसिस पे हमारे पास एक एलोकेशन आती है कि इस स्टेट से हमारे इतने नंबर ऑफ रैक्स जाएंगी वीट की राइस की, तो वो प्लान होती है, उस प्लान के मुताबिक जहाँ पर सरप्लस स्टॉक होता है वहाँ से हम ट्रेन लोड करवाते हैं और वो ट्रेन के द्वारा हमारे जो डेजिग्नेटेड सेंटर हैं रेल हेड हैं वहाँ स्टॉक आ जाता है और वहाँ के नज़दीक हमारे डिपोज हैं, उस डिपोज में हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हम स्टॉक को अपने सेफ गोडाउन में लगा लेते हैं। वहाँ से स्टेट गवर्नमेंट की जैसे एलोकेशन होती है, मंथली एलोकेशन होती है, तो वो जैसे गुजरात स्टेट की हम बात करें तो यहाँ DSM होता है, स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव, GSC SC का रिप्रेजेंटेटिव होता है वो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उसको हम जो एलोकेशन होती है उसके अगेंस्ट वीट और राइस प्रोवाइड करते हैं। एक हमारे पास है PDS स्कीम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, जो कि बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है और उसका जो रेट है जो वीट का 2 रुपये पर केजी होता है, राइस का 3 रुपीज़ पर केजी होता है, ये तो रेटेड हैं। और इसके साथ साथ अप्रैल 2020 से एक स्पेशल स्कीम चलाई गई थी जिसको PMGKAY बोलते हैं, प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना। उस योजना में 5 किलो अनाज हर व्यक्ति को मंथली बेसिस पे मिलेगा जिसका कोई प्राइस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वो जो स्कीम अप्रैल 2020 से चलाई थी वो स्कीम आज तक भी चालू है, जो कि वर्तमान में दिसंबर 2022 तक है, आगे एक्सटेंड होगी तो आगे चलेगी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको डिसाइड करेगी। राइस हमारा जो पहले राइस आता था वो भी बहुत बढ़िया था, जिसको हम RRA बोलते थे, राइस ग्रेड ए। अब क्योंकि ये पाया गया है कुछ एरिया ऐसा है कि जहाँ पे एनेमिक हैं बहुत सारे लोग, तो इस टाइप के एरिया आइडेंटिफाई किए हैं, वहाँ से फोर्टिफाइड राइस देते हैं जी। फोर्टिफाइड राइस वो राइस है जिसके अंदर कुछ विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह डाले गए हैं जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया हैं। तो हमारे जैसे राजकोट डिवीज़न है, राजकोट डिवीज़न में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें सुरेंद्रनगर है और भावनगर है। तो अब जितने का जितना स्टॉक है वो सारा जो राइस ग्रेड ए था वो जैसे जैसे हमारे पास खत्म होता जा रहा है, नया सारे का सारा फोर्टिफाइड राइस आ रहा है,
वैसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम ये है कि मार्च 2023 से सारे का सारा आ जाएगा, पर हमारे पास आज भी जो है वो सभी स्कीम में, चाहे वो पीडीएस है चाहे वो पीएमजीकेवाई है, हम फोर्टिफाइड राइस ही उसमें दे रहे हैं। वो एक विशेष किस्म का अनाज राइस है जिसको जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे बच्चे खाएंगे, हमारे जो यहाँ के सिटीजन खाएंगे तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इन फ्यूचर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज़ हैं जिनको हम टाइम टू टाइम इम्प्लीमेंट करते हैं, और मैं समझता हूँ कि अनाज इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आदमी की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू है कि अनाज मिले, बेहतर अनाज मिले खाने के लिए, और जो हमारा ग्रोइंग है, जो फार्मर है, उसको भी उस अनाज का उचित मूल्य मिले। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, हर वर्ष रेट निश्चित करती है और उसी निश्चित रेट के ऊपर एफसीआई परचेज करती है। कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया राजकोट डिविजन ना गुण नियंत्रण मैनेजर एनपी लाठियाए अब तक साथे बातचीत करता जणाव्युं हतुं के राजकोट डिविजन खाते जे गोडाउन उभा करवामां आवेला छे ते संपूर्ण वैज्ञानिक ढबे उभा थयेला छे, જેથી કોઈ પણ સંજોગે સંગ્રહિત થયેલો અનાજ વ્યય ન થાય, એટલું જ નહીં અહીં સંગ્રહિત અનાજની ગુણવત્તા સમયાંતરે ચકાસણી કરવાની રૂટી અને એફસીઆઈ રાજકોટ દ્વારા યથાવત રાખવામાં આવેલ છે। વધુમાં તેઓએ જણાવ્યું હતું કે ગોડાઉનમાં જે અનાજ સંગ્રહિત થયેલું છે તેનું દર 15 દિવસે રેન્ડમ ચેકિંગ કરવામાં આવે છે, એટલું જ નહીં જો અનાજમાં જીવાતનું પ્રમાણ જોવા મળે તો વિશેષ પ્રોસેસ હાથ ધરી તેની જાળવણી પણ કરવામાં આવે છે જેથી લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે કોઈ ચેડા ન થાય। મારું નામ છે એનપી લાઠિયા, હું અહીંયા રાજકોટ ફૂડ કોર્પોરેશન ઓફિસમાં મેનેજર ક્વોલિટી કંટ્રોલ છું। આપણા ગોડાઉન જે છે એ બધા એફસીઆઈના ગોડાઉન સાયન્ટિફિક રીતે બનેલા છે અને એનું પ્લાનિંગ એ રીતે કર્યું છે કે સ્ટોક તમે લાંબો ટાઈમ રાખો તો બી બગડે નહીં, અને સ્ટોક જે બી અહીંયા સ્ટોર થાય છે એનું રેગ્યુલર ક્વોલિટી ચેક થતા હોય છે। એમાં જે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાએ ડિસાઇડ કરેલું છે કે એફએસએસઆઈ ની અંદર સેમ્પલ્સ મોકલવાના, તો એફએસએસઆઈમાં એવરી 6 મંથ 6 મહિનાના ગાળે જે બી સ્ટોક અહીં અવેલેબલ હોય એના નોર્મ્સ મુજબ એનું ક્વોલિટી ચેક થાય છે। એ સિવાય જે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ અહીંથી સ્ટોક ઉપાડે છે, તો સ્ટોક ઉપાડે છે એ પહેલાં અહીંયા ગાંધીનગરની જે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટની લેબોરેટરી છે એફઆરએલ ફૂડ રિસર્ચ લેબોરેટરી, એમના ટેકનિકલ સ્ટાફ અહીં આવે છે, સ્ટોકને ચેક કરે છે, એ સ્ટોક જે છે એ ક્વોલિટી ચેક કમ્પ્લીટ થયા પછી સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ અહીંથી સ્ટોકનો ઉપાડ કરે છે અને ત્યાર પછી સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ પબ્લિક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરે છે। સ્ટોક પોઝિશનની જો વાત કરીએ તો ફૂડ કોર્પોરેશન ઇન્ડિયા પાસે ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં ઓન અને ભાડે રાખેલા હાયર્ડ ગોડાઉન્સ હોય એવા થઈને લગભગ 1871 ફૂડ સ્ટોરેજ ડિપો છે, એની અંદર અત્યારે એફસીઆઈ પાસે લગભગ 61.20 લાખ મેટ્રિક ટન ઘઉં અને 68.85 લાખ મેટ્રિક ટન ચોખાનો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે। ફૂડ સ્ટોરેજ માટે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એટલું જ મહત્ત્વનું છે કે જે બી સ્ટોક સ્ટોર કરી એની અંદર જે યુનિવર્સિટીઝના અને સાયન્ટિસ્ટ એ લોકો પહેલાં સર્વે કરતા હોય છે, એનું એક રિસર્ચ કરે છે કે ભાઈ સ્ટોક ખરાબ કેમ ન થાય, સ્ટોકની અંદર ઇન્ફેસ્ટેશન ન થાય, ખાસ કરીને એમાં રેટ ટ્રબલ ન થાય, તો ગોડાઉન છે એની હાઇટ તમે જોશો કે સ્પેસિફિક નક્કી કરેલી છે કે 3 ફૂટની ઊંચાઈ ઉપર જ ગોડાઉન હોવા જોઈએ, ગોડાઉનની અંદર કેટલા કમ્પાર્ટમેન્ટ હોવા જોઈએ, કેવી રીતે સ્ટોક એનું સ્ટેક પ્લાનિંગ થવું જોઈએ, આ બધા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના ફેક્ટર્સ એવા છે કે જેથી તમારો સ્ટોક જે છે એ બેસ્ટ રીતે સચવાઈ રહે, એટલે એને સાયન્ટિફિક ગોડાઉન કહેવામાં આવે। એફસીઆઈ પાસે સાયન્ટિફિક ગોડાઉન બનાવેલા છે કે જેની અંદર લોંગ ટાઈમ સુધી સ્ટોક સ્ટોર થાય છે તો બી કોઈ પ્રોબ્લેમ થતો। આવા જ અવનવા વિડીયોઝ માટે અબ તકની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરતા ના ભૂલશો। આ જ રીતે જોડાયેલા રહો અબ તક સાથે।